हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन स्टडी। सो फ्रेंड्स, हम लोग का जो इंतज़ार था सीएचएस के फॉर्म के निकलने का, वो अब ख़त्म हो गया है। ये जो है कल मतलब कि 20 फरवरी को जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और कल से ही रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। मैं थोड़ा बनाने में लेट हो गया हूँ, ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ, एक ही दिन लेट हुआ हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट कब है और कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, कब लास्ट डेट है, फी पेमेंट का लास्ट डेट कब है, किस दिन एग्ज़ाम है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हो सके आपको कोई बाद में कुछ मिस्टेक कर जाए, वो बाद में आपको पछताना पड़े, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो देख सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर आ गए हैं और इसको जो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस उस डाउनलोड लिंक जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कैसे आप लोग डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो को देखते रहें। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे। देखिए जो है 20 फरवरी को जो है इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 20 फरवरी को स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो लास्ट डेट जब तक आप भर सकते हैं वो है आपका 21 मार्च, ठीक है। तो करीब आपको जो एक महीने का समय दिया गया है और उसके बावजूद भी आप लोगों का इस टाइम के बीच अगर आप गलत फॉर्म भर देते हैं, आपका नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, फ़ोटो वगैरह जो भी कोई दिक्कत हो उसको आप लोग जो है सही कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को करीब एक हफ्ते का समय दिया गया, जो कि 23 मार्च से 28 मार्च तक, मतलब कि जब ऑनलाइन सबमिशन जब बंद ख़त्म होगा उसके 2 दिन बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा करेक्शन। तो एक करेक्शन डेट भूलिएगा मत, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को गड़बड़ी जाता है भरने में, ठीक है, तो वो सही कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों का जो एडमिट कार्ड जो आपका आना शुरू हो जाएगा, वो 11 अप्रैल से आपका जो एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि ऑनवर्ड्स स्टिल एग्जामिनेशन डेट, मतलब ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सबका 11 अप्रैल को ही आ जाएगा, मतलब कुछ लोगों का उस दिन आएगा, उसके बाद तो कुछ लोगों का 12 अप्रैल, कुछ लोगों का 13 अप्रैल को, ठीक है, उसके बाद आता रहेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन डेट से पहले आ जाएगा, ये बोल रहा है। अब देखते हैं किस किस दिन कौन से क्लास का एंट्रेंस है। तो आप देख सकते हैं जो क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला, जो कि 1 मई को है, ठीक है, स्टार्ट जो 1 मई से किया गया इस बार। तो 11th बायोलॉजी का जो है 2 मई को एग्ज़ाम होगा और 11th मैथ वालों का 4 मई को, और उसके बाद जो है 9th वालों का जो है 5 मई, उसी तरह क्लास 6 वालों का 6 मई, तो लास्ट में जो है क्लास 6 वालों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि 6 मई को होगा, उसके बाद सारा एंट्रेंस एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा सीएचएस का। उसके बाद इस बार जो है काफ़ी अच्छा है, आंसर की भी पब्लिश होने वाला है, ठीक है, 18 मई 2020 को जो है आपका जो है आंसर की पब्लिश होगा, करीब 6 मई को ख़त्म हो रहा है और 18 मई को, मतलब 12 दिन बाद जो है आपका आंसर की आ जाएगा। और उसके बाद कुछ लोगों को लगेगा कि कुछ आंसर गलत दिया हुआ है या कुछ ऑप्शन गलत भरे गए हैं, तो लोग जो है चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस जो चैलेंज करने का जो डेट है, ठीक है, वो 23 मई, ठीक है, 23 मई, मतलब 18 मई को रिजल्ट आया, रिजल्ट मतलब कि आंसर की पब्लिश हुआ, उसके बाद जो है तब से वो लोग 23 मई तक 5 दिन का समय दिया गया चैलेंज करने के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है फाइनल आंसर की, मतलब चैलेंज करने के बाद पता चला कि कुछ लोग सही बोल रहे हैं, जो ऑफिशियल आंसर की गलत है कुछ क्वेश्चन का, उसके बाद फाइनल आंसर की जो अपलोड होगा वो होगा 26 मई को होगा। और इसके बाद देखेंगे हम लोग जो रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होगा वो होगा 5 जून को होगा, ठीक है। और इसके बाद रिजल्ट के बाद आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगा, तो क्लास 6 वालों का जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो सबसे पहले क्लास 6 का ही काउंसलिंग होगा, ठीक है, वो 20 जून को स्टार्ट होगा। 20 जून को स्टार्ट, मतलब 20 जून को एक ही दिन होता है, एक क्लास का काउंसलिंग जो होता है एक ही दिन होता है, 8 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। तो लिखा है 8 से 12, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है जब एकदम 12 बजे से एक्सटेंड कर जाता है, 2-3 बजे तक होता रहता है, ठीक है, स्टार्ट तो 8 बजे, आपको जो है 7 बजे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है, पहुंचना होता है, बाकी जब तक काउंसलिंग प्रोसेस चले उसी दिन ख़त्म हो जाता है शाम तक। इसी तरह 9th का जो है 22 जून को और क्लास 11th मैथ का 23 जून को, 11th बायोलॉजी का 24 जून और 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स का दोनों का एक ही दिन है, वो है 25 जून को होगा। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जो कि है पैड सीट वाला, ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि मतलब जिन लोगों का कम मार्क्स भी आया हुआ है, थोड़ा सा मतलब कट ऑफ मान लीजिए गया हुआ है 80 नंबर गया हुआ था, जिन लोगों का 79-78 आया हुआ है, ठीक है, तो उन लोगों का जो है एडमिशन होने का चांस होता है वो होता है पैड सीट, ठीक है। तो ये पैड सीट क्या होता है, मतलब आपको जो उसका जो नॉर्मल फीस है वो करीब 4,500-5,000 फीस है, उसके अलावा आपको जो है 20,000 रुपया
पर ईयर जो आपको जो है एक्स्ट्रा देने होते हैं, ठीक है। तो स्प्रेडशीट कोटा के थ्रू आते हैं, इसमें क्या है कि हर सेक्शन में जो है, मतलब जैसे मान लीजिए मैथ हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है, तो उसके करीब आपके जो है 3 सेक्शन हैं, तो हर सेक्शन में क्या होगा कि 5-5 सीट रखा गया स्प्रेडशीट के तौर पर, ठीक है। तो मतलब जैसे 15 सीट हो गए, क्लास 11th मैथ में, इसी तरह बायोलॉजी, हर डिपार्टमेंट में 5-5 सीट हर सेक्शन में रखे गए हैं, ठीक है। तो उसमें एडमिशन जो है स्प्रेडशीट के थ्रू होता है। इसके लिए आपको जो लास्ट में, ठीक है, 26 जून काउंसलिंग खत्म होने के बाद सबसे लास्ट में इसका काउंसलिंग होगा स्प्रेडशीट के थ्रू। तो ये ध्यान देने बात बात इसमें एक और है कि ये केवल CHBS में, ठीक है, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में है, ठीक है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में इसकी फैसिलिटी नहीं है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, जो पिछले बार था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैं इस वीडियो बना चुका हूँ, और वो बिल्कुल वैसा ही है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दूँगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं आप लोग। और एक जो फीस वगैरह है फॉर्म भरने का, वो देख लीजिए कितना है, तो ज़्यादा नहीं है, वो 400 रुपये देख लीजिए है, वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपया रखा गया है और SC ST के लिए 200 रुपया रखा गया है। तो फिर पूछेंगे OBC वाले मेरा क्या होगा, तो ठीक है, तो यहाँ OBC कोटा या कोई कैटेगरी यहाँ पे BHU में, सॉरी CHS में नहीं होता है, तो यहाँ जो OBC वाले जनरल में ही काउंट किए जाते हैं, तो उनका भी जो है अप्लीकेशन फ़ी जो है 400 ही लगेगा, और उनको जो है जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था जो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर मैं CHS का तैयारी करवा रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है मैं बहुत ही अपना बेस्ट तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। शायद ही आपको इतना अच्छा कंटेंट दूसरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें, और मुझे लाइक करें वीडियो को, ताकि मुझे उत्साह मिले, ताकि मैं ऐसा वीडियो और बनाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।